क्या हाल है आप लोगों के? आज बंस रोड पे मौजूद हूँ और आप ये देख रहे हैं ये जो बॉल है कलरफुल बॉल है, ये बहुत खूबसूरत बॉल जो है यहाँ पे जो है उसको पेंट किया गया है और तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता पूरे कराची को जो है वो इसी तरह पेंट करने का प्लान किया है। और ये एक निजी कंपनी जो है गोभी पेंट, उनकी तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है। अच्छा, यहाँ मैं ये बता दूँ कि मतलब ये आप ये देख रहे हैं पूरा जो है वो पाकिस्तान का कल्चर दीवारों पे जो है वो उतार दिया है आर्टिस्टों ने। मेरे बैकग्राउंड में 5-15 में एक आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। बाकी यहाँ काम किस तरह हो रहा है और ये क्या होगा और ये कब तक होता रहेगा और ये कहाँ कहाँ होगा, इस बारे में आपको अपडेट करूँगा। मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं वीडियो के आखिर में। तो जनाब अली, आज की स्टोरी दोबारा बंस रोड से ताल्लुक रखती है। बंस रोड के बारे में तो आप जानते हैं, सिंध गवर्नमेंट का तमाम तर फोकस भैया आजकल बंस रोड पे ही लगा हुआ है और बंस रोड है भी बहुत खूबसूरत। जब आप इस पे ट्रैवल करेंगे तो दोनों जानब पुरानी इमारतें क्या खूबसूरत लुक देती हैं, आहा। लेकिन यहीं से आगे जाकर एक विमेन कॉलेज है जिसकी दीवार पर ये रंग रंग पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। अब देखें आप कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा कराची। तो इन पेंटिंग्स की क्या कहानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि सबसे पहले तो इस कॉलेज की दीवारों की पुताई की गई। पुताई आप समझते हैं, मतलब वो सफ़ेदी की गई। सफ़ेदी करने के बाद इस पे रंगारंग पेंटिंग्स बनाने के लिए बहुत सारे पेंटर्स को हायर किया गया जो कि अपना काम बड़ी तनदही से कर रहे हैं। ये काम बहुत मुश्किल है, आपको शायद आसान लग रहा होगा और इस काम को आप अंदाज़ा नहीं है आपको कि कितना मुश्किल काम है। कहीं ट्रक आर्ट जो है वो बनाया गया है, कहीं खाने की तस्वीर है। गर्ज की पूरी दीवार इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रही है जो कि मैं आपको अभी इस वक्त दिखा रहा हूँ। और इस दीवार पे जा बजा बेहतरीन किस्म की पेंटिंग्स बनाई गई हैं और बनाई जा रही हैं, जिसमें तकरीबन पूरे कराची बल्कि पूरे सिंध का कल्चर जो है वो इन दीवारों पर पेंट किया जा रहा है। और मैंने ये भी सुना है कि आइंदा आने वाले दिनों में तकरीबन पूरे कराची को इसी तरह पेंट किया जाएगा। इन पेंटिंग्स में ट्रक आर्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, कहीं फूल बनाए गए हैं, कहीं जो है वो बहुत खूबसूरत सीएनजी रक्षा जो है वो दीवार पे पेंट किया गया है, कहीं सिंध का कल्चर दिखाया गया है कि औरतें अपने सरों पर घड़े रख के जा रही हैं। और ये सब कुछ बहुत रंग बिरंगी कलर्स से बनाया जा रहा है। आर्टिस्ट तनदही के साथ अपने कामों में मसरूफ़ हैं और मुसलसल काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने आर्टिस्ट भाइयों को जो है वो चाय ही पिला दी जाए। तो जब चाय लेकर मैं अपने दोस्तों के पास गया तो वो इस वक्त भी काम में मसरूफ थे और वो बड़ी हैरत से मेरी जानब देखने लगे जब मैंने उनको चाय ऑफ़र किया। लेकिन बलाखिर मेरे कहने पर मुस्कुराते हुए उन्होंने चाय की प्यालियाँ उठा ली। तो इस तमाम वाक़े में एक मैसेज भी है दोस्तों, आपको चाहिए जब भी इस तरह के लोग आपको काम करते हुए नज़र आएँ जो आपके शहर को आपके मुल्क को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हों, तो उनका ख्याल रखा करें, उनको चाय पानी पूछ लिया करें। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त तक इस कॉलेज की 60% दीवार जो है वो पेंट हो चुकी है, बाकी पर काम जारी है। उम्मीद है शायद एक आध दिन में जो है वो इस प्रोजेक्ट को ये कंप्लीट कर लें। अब बात आती है कि ये प्रोजेक्ट है किसका। तो भाइयों, ये हमारे शहर की एक मशहूर कंपनी है पेंट की, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि कराची की जो है वो हम दीवारों को बहुत खूबसूरत बना देंगे और वो बना भी रहे हैं और तनदही के साथ काम कर रहे हैं। और इसी तरह मेरे ख्याल में बाकी इदारे भी अपना काम कर रहे हैं। जब मैं वहाँ खड़ा था तो पीछे से एक गाड़ी जो है वो मच्छर मार स्प्रे करती हुई गुजरी, तो एक अच्छी बात है, मतलब इतना ख्याल रखा जा रहा है शहर का और इस तरीके से जो है वो लोगों को जो है वो फैसिलिटीज़ फरहम की जा रही हैं। अब आप देखें ये मज़दूर बेचारे जो ये पेंटर्स हैं ये कितनी तनदही के साथ अपना काम कर रहे हैं। और ये जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन पर ये भाई पेंटिंग देख देख के जो है वो बर्गर एक बना रहा है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। मतलब ये देख के मुझे मेरा दिल चाह रहा था कि मतलब कोई ये रियलिस्टिक बर्गर होता तो शायद मैं उसको खा लेता,
تاہم بنس روڈ کے اوپر یہ کام جاری ہے اور اس کے ساتھ ہی جو مشہور پینٹ کمپنی ہے ان کے برانڈ ایمبیسڈر جو ہے معروف کامیڈین جو ہے سلیم آفریدی جب یہاں آئے تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ان سے بات کر لیں, دیکھیں انہوں نے کیا کہا. آپ سب جانتے ہیں کہ میں ہوں سلیم آفریدی اور میرے نام سے W11 دنیا بھر میں مشہور ہے, اور یہ اللہ کے کرم سے یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا کے کئی ملکوں میں W11 کے ماڈل بنائے گئے ہیں, اور آسٹریلیا میں سے ایک ٹرمپ کو بھی W11 کا رنگ دے کر اس کو عوامی سواری بنایا گیا ہے. لیکن W11 کی اہمیت گوبیز پینٹ کی پینٹ کی بھی اس سوال سے لگا سکتے ہیں کہ W11 کو انہوں نے ایک پاکستان, خاص طور پر کراچی کے کلچر اور ٹرانسپورٹ کلچر کے حوالے سے W11 کا جو مقام ہے وہ انہوں نے دیا ہے, اور پھر گوبیز کی طرف سے اس پوری بنس روڈ کی دیوار کو سجایا گیا ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں گوبیز کا بھی اور اہلیان کراچی کا بھی کہ جس طرح سراہا گیا ہے اس طرح کی ورک کو, یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ کرے میرے شہر کی ہر دیوار اسی طرح کلرفل رہے اور ہر گلی ہر روڈ بے مثال رہے. پاکستان زندہ باد, W11 زندہ باد, اور بنس روڈ اور کراچی زندہ باد. تو بھائیوں, سنا آپ نے, سلیم آفریدی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جس طرح یہ کمپنی جو ہے وہ اتنا اچھا انیشیٹو انہوں نے لیا ہے, تو دوسری کمپنیز کو چاہیے. کتنی ساری پینٹ کمپنیز موجود ہیں, اگر تمام پینٹ کمپنیز جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات لیں گی تو آپ سوچیں گے مطلب کراچی کی دیواریں اور کراچی کتنا خوبصورت دکھائی دینے لگے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام اداروں کو آگے آنا چاہیے, آگے آ کر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, شہر کی خوبصورتی کو اور چار چاند لگانے چاہیے, کیونکہ یہ شہر ہمارا ہے, یہ ہمارے بچوں کا ہے, یہ آپ کا ہے, یہ جو کمپنی آنرز ہیں یہ ان کے بچوں کا بھی شہر ہے, ان کا بھی شہر ہے. تو ان کو چاہیے کہ اس طرح کے کام وہ کریں. باقی جو پینٹنگز تھیں وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھیں, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی خوبصورت خوبصورت پینٹنگز جو ہے وہ انہوں نے وال پہ ڈرا کی ہیں. اور شہریوں نے جو ہے وہ یہ مناظر دیکھ کر اور یہاں آ کر جو ہے وہ اپنی تصاویر جو ہے وہ بنانی شروع کر دی ہیں, سیلفیز بنانی شروع کر دی ہیں. مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لائک کریں, شیئر کریں, میری چینل کو سبسکرائب کریں. میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں, کسی بہت اچھی سی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.